आप देख रहे हैं बिग बॉस अड्डा। मैं हूँ उर्वशी। मैं हूँ नरेंद्र। मैं हूँ आनंद। और आज हम तीनों साथ हैं बिग बॉस के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि देखिए 18 साल का बिग बॉस हो गया है। तो आज हम बात करते हैं कि इतने सालों में कौन से ऐसे तीन सीजन रहे हैं जिन्होंने दिल छू लिया। मतलब तो पहला सीजन तो आप ही बताइए, वो कौन सा था जो आपको बहुत पसंदीदा है? मुझे तो जो सीजन पसंद था वो है सीजन 13, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला विनर बने थे। और मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला सीजन 13 सिद्धार्थ शुक्ला, मतलब अगर सिद्धार्थ का नाम है तो आपको याद है कि ये सीजन कौन सा था। किसी दूसरे विनर के शायद साथ ऐसा शायद ना हो, लेकिन सिद्धार्थ पहले दिन से लेके आखिर तक छाए भी रहे। जी जी जी, बहुत मेहनत की उन्होंने। जी बिल्कुल। आपको कौन सा सीजन लगता है आनंद? आपको सही बताऊं तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का तो सीजन बहुत पसंद आया, लेकिन उससे पहले मैं रखता हूं सीजन 11 को। okay. इसकी विनर थी शिल्पा। क्या वजह? वजह ये थी उसकी कि उसमें जो कॉम्पिटिटर थे, कंटेस्टेंट थे, वो बहुत तगड़े थे, मुकाबलेबाज थे। विकास हो गया, हिना खान हो गई, सपना चौधरी भी थी उसी सीजन में। तो वो जो कॉम्पिटिटर थे, जैसे फर्स्ट रनर अप की बात है, भले शिल्पा शिंदे विनर रही हूँ, लेकिन फर्स्ट रनर अप हिना खान जैसे कंटेस्टेंट थे जो मजबूत। और आखिर तक कोई उम्मीद नहीं थी कि जीतेगा कौन, कोई विकास गुप्ता मास्टरमाइंड थे उस टाइम। और बाकी कई सीजन भी मास्टरमाइंड के तौर पे आए हैं। आखिरी मोमेंट तक, जब तक सलमान खान ने विनर का हाथ नहीं उठाया तब तक किसी को नहीं पता था कौन जीतेगा, जो मुकाबला हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच में था। बल्कि आजकल सीजन में ऐसा नहीं होता, हम लोग गेस कर लेते हैं कौन विनर है। वो बहुत ही क्लास था। हाँ, उस सीजन की बात ही लगती है कि बाकी कंटेस्टेंट बहुत मुकाबले। और एक बात और लगी मुझे शिल्पा शिंदे के साथ, ये थी कि शिल्पा शिंदे ने किचन ट्रेंड स्टार्ट किया। उस सीजन में किसी को खाना पकाना नहीं आता था, और इवन सलमान खुद ये कई बार कहते थे कि शिल्पा ने किचन से पूरी लड़ाई जीती है। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, वही किचन का ही कैमरा उन्हें विनर तक लेकर गया है। नहीं, अब वो अब यही तो होता है कि हर किसी कोशिश होती है कि पहले किचन पे कब्जा करें, फिर बिग बॉस। आपको कौन सा लगा? मतलब अगर मेरी बात करें तो मुझे बिग बॉस 8 बहुत पसंद था। उसमें गौतम गुलाटी था, सीपी और वन जी का जो उसमें कॉकटेल था बहुत ही बढ़िया था। पनीत थे, पुनीत थे और प्रीतम, और साथ में गौतम। इन चारों की जुगलबंदी थी ना, बहुत ही कमाल की थी। और गौतम गुलाटी का जो एक खौफ घर में पैदा हुआ था, और जिस तरह से उन सब उनके खिलाफ थे, आखिर में उनके दोस्त भी उनके खिलाफ हो गए थे, वो बहुत ही क्लास था और बहुत ही मजेदार था। उसको देखने में खूब मजा आया। नहीं, उसमें ये चीज थी ना, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला और गौतम गुलाटी वाला जो थोड़ा थोड़ा मिक्स लगता है, शुरू से लेके एंड तक दोनों छाए रहे अपने सीजन। छाए रहे, और एंग्री यंग मैन की जो इमेज हमें देखने को मिलती है, जो हमें शोले वाले अमिताभ बच्चन ने क्रिएट की, वो टीवी पे हमें गौतम गुलाटी और सिद्धार्थ शुक्ला लेकर आते। इवन लास्ट सीजन में जो अभिषेक थे वो इतने अग्रेसिव होते थे, इतना रोते थे, उनको देख के भी लोग ये कहते थे कि गौतम गुलाटी की कॉपी कर। हाँ, एक्चुअली हाँ, यहाँ पर ये मेन है कि वो रोते भी थे, लड़ते भी थे, माफी मांगते थे। प्यार है, उसी से नफरत है। इसमें मैं ये बात ऐड करूंगा कि वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगा स्टार्टिंग की जो सीजन में एपिसोड में, कि वो कहीं ना कहीं साथ सिद्धार्थ शुक्ला और गौतम गुलाटी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी चक्कर में अगर आप सिद्धार्थ का देखेंगे पूरा, वो पहले से लेके आखिर तक जो बंदा अपनी बात पे डटा है वो डटा है, वो ना पलट रहा है, ना रो रहा है, ना पीट रहा है। और गौतम को अगर आप देखेंगे तो पूरा गेम उसे दब के खेला है। हाँ। लेकिन अभिषेक तो ढुलमुल हुए जा रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं। हाँ। तो आप दोनों को बता दो, सिद्धार्थ शुक्ला का वो जो सीजन था उसमें बहुत सबकी लाइफ की पर्सनल चीजें भी खुलकर आई है। बहुत है, रश्मि देसाई की हालत देखिए क्या हो गई थी लाइफ। तो अब जो कुछ सीजन में देख रहा हूँ कि ना, वो वाली चीजें शायद बिग बॉस से वाला ट्विस्ट और वाला टर्न जो है खत्म होता जा रहा है। अब थोड़ा ऐसा लगता है कि पका पकाया, मतलब सब लोग सीख के आ रहे हैं, लगता है। हाँ, वो सब चीजें अब क्या है ना, 17 सीजन हो चुके हैं, अब जो 18 में आएंगे वो अब 18 साल का बिग बॉस, ऐसा उर्वशी कह रही है, अब एडल्ट हो गया है ना, मैच्योर हो गया, वो मैच्योर हो गया है। और सोशल मीडिया ट्रेंड का भी मैं बहुत असर देखती हूँ बिग बॉस पे, कि जो भी कुछ सोशल मीडिया पे चलता है एक वीकेंड के वार के बाद, उसका असर अगले तक। मैं आपको बताता हूँ जो ये जो बात है कि पहले से तैयारी का है, इसका जो राज था वो शहनाज गिल ने खोला था। शहनाज गिल ने कहा था ना, उसको भी एक चर्चा होती है जहाँ बात होती है कि उन्होंने कहा कि जाके तुम पहले दोस्ती कर लेना सिद्धार्थ शुक्ला से। यस यस यस, है ना, पीआर वाली ने कहा था ये करना। और पूरे सीजन में सिद्धार्थ के साथ शहनाज की लाइन थी नजर। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो अलग बात है, लेकिन वही दोबारा शालीन और टीना में भी यही हुआ था कि इन लोगों की टीम आपस में मिल गई थी। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे
सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन हो गया, शिल्पा शिंदे का हो गया, गौतम गुलाटी, इन लोग ये ना अब जो आने वाले सीजन उनके लिए एक सिलेबस बन गया, उसे देख देख कर आते हैं, ये लोग नेचुरल थे, अब ये कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अपना गेम भूल जाते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं बिग बॉस कुछ समय तक, लेकिन इस बार जो 18 की हम बात कर रहे थे, इस बार फिर लग रहा है कि जो लौटे हैं टीवी बड़े सितारों पे, तो कुछ नया होगा इस बार, उम्मीद की जा सकती है। इस बार मुझे ये लग रहा है कि जो कंटेस्टेंट भी इन्होंने चुने काफी सोच समझ के चुने, मैच्योर कंटेस्टेंट है वो लोग हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, बातें हैं, पैन बॉलिंग तगड़ी है, और टीवी पर भी जो ऑलरेडी सेट है, एस्टैब्लिश्ड है, वो नए हैं, न्यू कमर भी है, लोग उनसे कनेक्टेड हैं। एक्चुअली कहता न्यू कमर्स को एस्टैब्लिश करने की वो होती है, बेचारों के पास चैलेंज होता है, तो वो उसके लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत सदा हुआ खेलेंगे, अगर जैसा लग रहा है जो नाम अभी तक आ रहे हैं सामने, वो सदा हुआ खेलेंगे। जैसे आपने बोला तो मैं एक नाम बता ही देती हूँ जो की बुरी तरह से कंफर्म्ड है, वो है निया शर्मा, की निया शर्मा तो होंगी ही होंगी, तो अभी तक वो लाफ्टर शेफ में थी, वो भी एक रियलिटी शो था, उसमें उनकी जैसी पर्सनालिटी दिख रही है, मुझे बिग बॉस में उनसे काफी उम्मीद है। निया शर्मा एक अच्छा नाम है, नाकी में भी नजर आ रही है, वो जमाई राजा में भी काम कर चुकी है, छुड़ायल अभी उनका लेटेस्ट चल रहा है, वो भी काम कर रही है। इस तरह के लोग आएंगे तो शो में जरूर कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या पता वही पुराने जिस हम तीन सीजन की बात कर रहे हैं, अगर हम तेजस्वी वाला सीजन भी देखें तो वो भी कुछ ठीक ठाक था, ठीक था, ठीक था, लेकिन जब से जो ये जो बिग बॉस ओटीटी आया है ना, तब से थोड़ा घालने सा हो गया है, मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिखाया क्या कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, इसमें मेरे को दो सीजन बहुत डिसअपॉइंटेड लगते हैं, जैसे एमसी स्टैन वाला जो था सीजन, और जो पिछला सीजन था मुनव्वर फारूकी वाला, क्योंकि देखिए उसमें क्या था, एमसी स्टैन ने कुछ नहीं किया, जीत गया स्टार्टिंग से लेकर कुछ नहीं किया, और मुनव्वर का क्या था, मुनव्वर का पहले दिन से आराम से बैठा, ऐसा लग रहा था कि सीजन जीतने वाला है, तो वो उसका ऐसा था, दोनों सीजन में कोई भी थ्रिल नहीं था, अब पता नहीं कौन से रिकॉर्ड टूटे, कौन से दावे नहीं कर रहे हैं। पहले कुछ जब जो बिग बॉस के पिछले सीजन होते उन पे टास्क पे बात होती थी, अब क्या होता है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात होती है और बाकी सारी चीजों के बारे में टास्क पे कोई बात कोई फोकस नहीं होता। एमसी स्टैन ने तो कुछ किया ही नहीं था, हर टास्क को मना कर देता था, हर दिन कहता था मुझे घर जाना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे कुछ और ऐसे घर जाना है, ट्रॉफी लेके गया नहीं, जो मैं इसी बात से मैं मेकर्स को लेके थोड़ा सा मैं भी खफा रहता हूँ कि जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, जो जिसे घर जाना, उसे आप कैसे विनर बनाते हैं, बिल्कुल, लेकिन बन रहे हैं ना विनर, बन रहे हैं। और मैं अगर जैसे बोरिंग सीजन की बात करें, जैसे कि स्टैन ने पूरे टाइम बोर किया था, मुझे लगता है पिछला सीजन बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे बोरिंग सीजन अंकिता लोखंडे और ये विक्की जैन, अंकिता लोखंडे जैसी बड़ी स्टार वो भुना नहीं पाए शो को, अपने भुना नहीं पाए, वो कुछ नहीं कर पाए उसके अंदर, कुछ बहुत ही निराश किया, जब मियां बीवी की कुछ लड़ाइयां आई, हालांकि कुछ ट्विस्ट आया, लेकिन बाद में जाते हैं सीरीज, वो भी फैमिली ड्रामा सी बात हो गई, मुझे लगता है स्टैंड नहीं ले पाए, बहुत स्ट्रांग स्टैंड नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं वो रियलिटी शो स्टैंड के मामले में अगर एक ही बंदा बैठता है वो सिद्धार्थ शुक्ला, जहां आके बिग बॉस का थोड़ा ढलान शुरू हो जाती है 13 के बाद। हाँ हाँ आप बिल्कुल सही, क्योंकि वो ऐसा सीजन है जिसका ना आगे कोई है ना पीछे, वो एकमात्र सीजन है जो बिग बॉस को बस मतलब बिग बॉस के फैंस जो उनके लिए आज भी वो फेवरेट ही होगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला हैं, हम सबकी बातचीत हुई है, सीजन भले ही सबको अलग अलग पसंद था बट कंटेस्टेंट एक ही था, उम्मीद करते हैं अब इस वाले कंटेस्टेंट में कोई ऐसा नाम निकले बिल्कुल, जिसका बिल्कुल। नाम हम ऐसे ही आगे ले सके। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही जुड़ते रहिए, बाय।